हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बीएल चौधरी, टीम बॉटनी, यस और नो। आज बेटा लेक्चर 6 में आपका स्वागत है। आज हम जो फर्स्ट चैप्टर का लास्ट, यानी अपन कल प्रीवियस चैप्टर में या प्रीवियस लेक्चर में अपन ने, आप जानते हो कि वर्गीय की श्रेणियां जो रैंक होती है, स्टेप्स होती हैं, और अर्थात वर्गीय की पदानुक्रम, और वर्गीय की पदानुक्रम जो 7 अवैकल्पिक श्रेणियाँ होती हैं, जाति, वंश, कुल, गण, और उसके बाद गण के बाद क्या होता है वर्ग, संघ प्रभाग और जगत, उन सब का अध्ययन किया। उनका आपस में सारा कोरिलेशन, और अपन ने अपन निम्न से उच्च की ओर असेंडिंग ऑर्डर में गए तो समान लक्षणों में क्या हुई, कमी हुई। तो बेटा वहाँ जो 7 कैटेगरी, उनकी करेक्ट सिक्वेंस पूछी जा सकती है, असेंडिंग ऑर्डर पूछा जा सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जा सकता है, मतलब आरोही क्रम और अवरोही क्रम, और आप समझ सकते हैं कि वंश क्या है, कुल क्या है, तो संबंधित जातियां मिलकर वंश और संबंधित वंश मिलकर आप जानते हो कुल। तो वो सारा आपको मैंने एग्जांपल के साथ बताया। क्लियर बेटा? आज अपना टॉपिक है मतलब टैक्सोनॉमिकल एड्स, वर्गीय की सहायता साधन। यस और नो? आज अपना टॉपिक क्या है बेटा? टैक्सोनॉमिकल एड, वर्गीय की सहायता साधन। यस और नो? क्लियर है? तो बेटा ध्यान तो देखो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट है। क्लियर? टैक्सोनॉमिकल एड, टैक्सोनॉमिकल एड में क्या कहा जाता है कि जो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है, विभिन्न प्रकार के जीवधारी हैं, प्लांट, एनिमल, फंजाई, तो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म की जो सिस्टमेटिक स्टडी है वो मानव के लिए लाभदायक है। क्लियर? द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन, मतलब तरह तरह के जो विभिन्न प्रारूप हैं, जीवन प्रारूप हैं, तरह तरह के जो जीवधारी हैं, उनकी सिस्टमेटिक स्टडी मानव के लिए लाभप्रद है। क्लियर? इसके साथ ही बेटा अपन इसमें बात करते हैं कि भी आप जानते हो मानव इस नॉलेज को, इस ज्ञान को एक्सप्लॉइट करता है, नहीं इसको अपने यूज में लेता है, अपने उपयोग में लेता है, और मानव इस ज्ञान का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में, यानी विभिन्न प्रकार की पादप और जंतु जातियों और अन्य जीवधारियों का उपयोग कृषि में, फॉरेस्ट्री में, मतलब एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, फिशरी एंड मत्स्य जो उद्योग में, इन सब में, या फिर अपन बात करें कि इंडस्ट्रीज में करता है। क्लियर? और मानव ये भी समझता है कि इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के बायो रिसोर्सेज, जो संसाधन हैं, वो कितने उपलब्ध हैं। बात को समझे? तो ऐसी कुछ आपके लाइन्स वहाँ दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर बेटा? अब आप समझ सकते हो, इसलिए अपन ये कहते हैं कि जो एक्यूरेट, यानी बिल्कुल सही वर्गीकरण, एक्यूरेट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक्यूरेट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, आप समझ पा रहे हैं कि एक्यूरेट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिक्वायर्ड, है ना? आप जानते हैं कि अपन को बहुत आवश्यक है सही वर्गीकरण और पहचान। क्लियर? और इसके लिए अगर अपन सही वर्गीकरण पहचान करना चाहें तो इसके लिए अपन, आप जानते हो कि इंटेंसिव लेबोरेटरी, यानी जो अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं उनमें, या फिर जो भी जो एरियाज हैं, जो टैक्सोनॉमिकल एरियाज हैं, वहाँ का अपन को अध्ययन करना आवश्यक है। आप समझ पा रहे हैं? क्लियर? इसके अलावा बेटा अपन बात करते हैं कि ये कब हो पाएगा, जब आप जानते हो कि विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु प्रार्दसों, विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु प्रार्दसों स्पेसीमेन का कलेक्शन हो पाएगा, विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु प्रार्दसों, प्लांट और एनिमल स्पेसीमेंस का संग्रह हो पाएगा, यानी उनका संग्रह हो पाएगा। और आप जानते हो कि जो कि वर्गीय की अध्ययनों का प्राथमिक स्रोत है, जो कि वर्गीय के अध्ययनों का प्राथमिक स्रोत है, आप समझ सकते हैं बेटा कि इससे अपन को विभिन्न प्रकार के जीवों की जो आकारिकी के अध्ययन में तो सहायता मिलेगी मिलेगी, बल्कि विभिन्न जीवों के अंदर आपस में क्या संबंध है, उनमें वो कैसे को रिलेटेड है, अंतर संबंधित वो कैसे हैं, उनमें भी अपन को सहायता मिलेगी। इसलिए जो ये वर्गीय की सहायता साधन है, ये जो वर्गीय की सहायता साधन है बेटा,
फंडामेंटल स्टडी ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म विभिन्न जीवधारियों की आधारभूत अध्ययन में आवश्यक है। बात को समझे और आप समझ पा रहे हैं कि ये मतलब सिस्टमेटिक स्टडी में भी बिल्कुल उद्विकास दौरान सिस्टमेटिक स्टडी में भी अपनी सहायता साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यस और नो? और साथ ही साथ आप जानते हैं बेटा कि इनसे अपने पास में इन्फॉर्मेशन जो भविष्य में अध्ययन के लिए इन्फॉर्मेशन अपने पास में इकट्ठी होती हैं। तो कुल मिलाकर ये वर्गी की सहायता साधन हैं क्या, क्लियर? तो वर्गी की सहायता साधन में अपन जो सबसे पहले स्टडी करते हैं, तो बेटा जी आप समझ पा रहे हैं कि सबसे पहले अपन यहाँ पर स्टडी करते हैं बॉटनिकल गार्डन की। किसकी स्टडी करते हैं बताओ? बॉटनिकल गार्डन। तो आप समझ पा रहे हैं कि फर्स्ट जो हर्बेरिया ले सकते हैं उसके बाद में ले लेंगे तो कोई एक बात है, तो बॉटनिकल गार्डन। तो बेटा देखो ये है बॉटनिकल गार्डन, क्या होते हैं? वानस्पतिक उद्यान, वानस्पतिक उद्यान होते हैं, क्लियर बेटा? वानस्पतिक उद्यान बॉटनिकल गार्डन। तो बेटा जी देखो सीधी सी बात है कि बॉटनिकल गार्डन होते क्या हैं, क्लियर? तो आप समझ पा रहे हो कि ये स्पेसिफिक गार्डन है, क्लियर? बॉटनिकल गार्डन स्पेसिफिक गार्डन है, क्लियर? विशिष्ट उद्यान है, क्लियर? और जहाँ पर आप समझ सकते हो कि जीवित पादपों का संग्रह वर्गीय के अध्ययन के लिए किया जाता है, तो आप क्या कहोगे कि ये विशिष्ट विशिष्ट उद्यान है जहाँ पर जीवित पादपों का संग्रह वर्गीकी अध्ययनों स्टडी एंड रेफरेंस वर्गीकी अध्ययनों के लिए किया जाता है। बेटा वर्गी के अध्ययनों के लिए किया जाता है। आप समझ रहे हैं कि बेटा ये एक एनक्लोज्ड परिसर में एक स्पेसिफिक रीजन्स हैं, विशिष्ट क्षेत्र हैं, विशिष्ट गार्डन है, स्पेसिफिक गार्डन है जहाँ पर लिविंग प्लांट को लिविंग कंडीशन में ये विशिष्ट उद्यान है जहाँ पर जीवित पादपों का संग्रह वर्गी की अध्ययनों के लिए किया जाता है, क्लियर? मान लो जहाँ बॉटनिकल गार्डन वहाँ के लोकल प्लांट भी और कुछ बाहरी एग्जोटिक भी, यस और नो? तो दोनों टाइप के प्लांट का वहाँ पर आप जानते हैं कि संग्रह किया जाएगा, क्लियर? और आप समझ सकते हैं कि बेटा बॉटनिकल गार्डन एक ऐसे संस्थान है जो आप जानते हो कि एक बिल्कुल परिसीमित भूमि के एनक्लोज पीस ऑफ लैंड, मतलब आप जानते हो कि स्थित होते हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीवित पादपों को ग्रो कराया जाता है, विभिन्न प्रकार के जीवित पादपों को उगाया जाता है। बात को समझे? और किस लिए? वर्गी के अध्ययनों के लिए, वर्गी की अध्ययनों के लिए। बात को समझे? क्लियर? अब आप समझ रहे हैं बेटा कि इन उद्यानों में पौधों को बड़े पैमाने पर मानव की देखभाल में पहचाने के उद्देश्य से उगाया जाता है। यानी आप क्या कहोगे? इन उद्यानों में विभिन्न पादपों को मानव की देखभाल में पहचानने के उद्देश्य से उगाया जाता है, क्लियर ना? और ये परिसमन एक एनक्लोज एरिया है जहाँ पर वहाँ के आप जानते हैं कि लोकल प्लांट्स को, लोकल प्लांट जो वहाँ की स्थानिक जातियाँ लोकल प्लांट्स को, साथ में एग्जोटिक जो भारी जातियाँ भी वहाँ पर वर्गी के अध्ययन के लिए लाई जाती है, एग्जोटिक स्पीसीज को भी आप जानते हैं कि वहाँ पर उगाया जाता है, क्लियर? आइडियल कंडीशन में वहाँ पर ग्रो कराया जाता है, क्लियर है? तो आप समझ रहे बेटा कि लोकल प्लस एग्जोटिक प्लांट स्पीसीज, बात को समझे? तो ये आपके होते हैं बेटा क्या? बॉटनिकल गार्डन, यस। अब अपन सीधी सी बात करते हैं कि भाई विश्व का जो सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है या अपन उसको कहें प्रसिद्ध, विश्व का
सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन, सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान और जो फेमस भी है। यस, तो बेटा आप क्या कहोगे उसको? पहले तो आप जानते हो कि पडाऊ था, लेकिन अब जो फेमस भी है और लार्जेस्ट भी है, तो विश्व का सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन क्या है बेटा? रॉयल बोटनिकल गार्डन। ये अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, रॉयल बोटनिकल गार्डन, रॉयल बोटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। तो रॉयल बोटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, बात को समझे? रॉयल बोटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड है। यस, अब अपन बात करें कि इंडियन लार्जेस्ट, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान, तो बेटा भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक जो उद्यान है वो है, यानी लार्जेस्ट बोटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट बोटनिकल गार्डन है वह है इंडियन बोटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता। इंडियन बोटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि भारत का सबसे, इंडियन बोटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, क्लियर? तो ये आप समझ रहे हैं बेटा कि भारत का सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन है, क्लियर? और एक अपना इंस्टीट्यूट है NBRI, सही? ये अच्छा फुल फॉर्म आ गई इसकी, एक बार एग्जाम में NBRI। तो आप समझ रहे हैं कि NBRI क्या है? नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्लियर? नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यस, तो राष्ट्रीय वानस्पतिक जो अनुसंधान संस्थान है, आप समझो नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वहाँ कहाँ पर बेटा? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में, NBRI लखनऊ, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ हो गए। बात को समझे या नहीं समझे? यस। अब बेटा जी सीधी सी बात है, तो ये सारी बातें आपकी हो गई जो बोटनिकल गार्डन से रिलेटेड। अब अपन बात करते हैं कि वाट द इम्पोर्टेंस ऑफ बोटनिकल गार्डन, बोटनिकल गार्डन का क्या इम्पोर्टेंस है? तो अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बोटनिकल गार्डन, इम्पोर्टेंस ऑफ बोटनिकल गार्डन, क्लियर? यानी वानस्पतिक उद्यान के महत्व है। यस, कि भी इम्पोर्टेंस क्या है, क्लियर? बोटनिकल गार्डन का इम्पोर्टेंस क्या है? तो सीधी सी बात है बेटा, वानस्पतिक उद्यान महत्वपूर्ण रूप से वैज्ञानिक अध्ययन अर्थात पादपों की पहचान व वर्गीकरण में सहायक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, क्लियर? कि बेटा आप समझ रहे हैं कि जो वानस्पतिक उद्यान वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी है ना, वैज्ञानिक अध्ययन पादपों की पहचान तथा वर्गीकरण में सहायक साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यानी बेटा जो भी वर्गीकरणविद हैं या जो भी साइंटिस्ट टैक्सोनोमिस्ट हैं या जो भी रिसर्च करने वाले हैं, तो वानस्पतिक द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी पादपों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन और वर्गीकरण में सहायक साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यस और नो? और साथ साथ अपन बात करते हैं बेटा कि इसके अलावा, क्योंकि इसमें आप जानते हो कि प्रत्येक पादप पर लेबल लगा दिया जाता है, लेबल,
समझ रहे हो, प्रत्येक पादप पर लेबल, एक लेबल लगा देते हैं, लेबल लगा दिया जाता है, समझ गए ना। और उस लेबल पर, जो प्रत्येक पादप पर एक लेबल लगा दे दिया जाता है, उस लेबल पर उस पादप का लोकल नेम, उसका बोटनिकल नेम और फैमिली लिखी जाती है। लोकल नेम, बोटनिकल नेम और फैमिली, क्लियर। तो आप जानते हैं कि अपन को बहुत अलग अलग जगह पर नहीं जाना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर प्लेस में बहुत सारे प्लांट का अगर अपन वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहेंगे, उनके पहचान है, उनके लक्षण देखना चाहेंगे, तो अपन को वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे सहायता साधन के रूप में। क्या बेटा? बोटेनिकल गार्डन, यस और नो? क्लियर। तो ये वानस्पतिक उद्यान है, और आप जानते हो कि वहाँ की जो लोकल हैं, लोकल और जो अपन बात रहे कि एक्जोटिक, दोनों प्रकार की स्पीसीज का वहाँ पर आप जानते हैं कि अध्ययन किया जाता है या कलेक्शन किया जाता है। अब जो आप जानते हो कि एक इकोलॉजी एक क्वेश्चन आता है कि बोटनिकल गार्डन, बोटनिकल गार्डन आर साइट ऑफ एक्स सीट्यू, ये CBSE 2012 में क्वेश्चन आया, एक्स सीट्यू कंजर्वेशन। बात को समझे क्या? बोटनिकल गार्डन आर साइट ऑफ एक्स सीट्यू कंजर्वेशन, यानी जब हम जैव विविधता का संरक्षण करेंगे तो बोटनिकल गार्डन में आप जानते हो कि वहाँ के लोकल और एक्जोटिक जो भाई कुछ जातियों को वहाँ पर लाया जाता है और मानव की देखभाल में उगाया जाता है। तो एक तरह से ह्यूमन केयर में हो गया भाई, किसी प्राकृतिक आवास से हटाकर अपन किसी एक पर्टिकुलर एनक्लोज लैंड एरिया के अंदर उनको ग्रो करा रहे हैं। तो बेटा दिमाग लगो, क्या होगी ये टेक्निक? भाई स्थानीय संरक्षण तकनीक होगी। तो बोटनिकल गार्डन आर साइट ऑफ एक्सिटी कंजर्वेशन, एक्सिटी कंजर्वेशन का मीन क्या होता है? एक्सिटी कंजर्वेशन का भाई स्थानीय संरक्षण। क्या होता है बेटा? भाई स्थानीय संरक्षण, कि मानव की देखभाल में रख रहे हैं ना। तो ये CBSE 2012 में क्वेश्चन है, यहाँ से मान लें चाहे इकोलॉजी से मान लें, जहाँ भाई स्थानीय संरक्षण तकनीकी और स्वस्थानीय संरक्षण तकनीकी, आप जानते हो ना कि किसी भी जीव को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित कर, इंस्टीट्यूट स्वस्थानीय और प्राकृतिक आवास से बाहर ह्यूमन मानव की देखभाल में रखें, तो क्या हो गया बेटा? एक्सिटी कंजर्वेशन। बोलो है कि नहीं है? है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई आपकी, बोटनिकल गार्डन साइट ऑफ एक्सिटी कंजर्वेशन, क्लियर। तो ये फर्स्ट आपका सहायता साधन हुआ बेटा। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं क्या? हर्बेरिया, यस। तो हर्बेरिया के बारे में अपन सारी जानकारियाँ जुटाते हैं, सारी बातें अपन करते हैं, क्लियर। हाँ तो बेटा जी देखिए हर्बेरिया, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन नीट 2013 और 16 में ऐसे क्वेश्चन आया, और अब आपके एग्जाम में इस साल भी इसके आने के चांस हैं, यस। तो बेटा ध्यान दें, देखो कि हर्बेरिया, यस। तो बेटा देखो हर्बेरिया है ना, हर्बेरियम उसमें अपन बोलते हैं हर्बेरिया। क्या है बेटा हर्बेरिया? हर्बेरिया इज इट इज डिफाइंड एज ए स्टोर हाउस। ये किसके रूप में परिभाषित होता है? एक अपने घर में स्टोर नहीं होता है क्या, जहाँ अपने घर के उपयोग की सारी चीज़ें अपन रखते हैं? तो इट इज डिफाइंड एज ए स्टोर हाउस। हर्बेरिया संग्रहित पादपों के स्टोर हाउस के रूप में परिभाषित होता है, है ना। जो हर्बेरिया अपन कहें कि डिफाइंड एज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन, है ना, कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन, यानी हर्बेरिया संग्रहित पादपों के स्टोर हाउस के रूप में परिभाषित होता है, जहाँ जो प्लांट स्पेसिमेन है ना, उन प्लांट स्पेसिमेन को अपन कहते हैं भाई, सीधी सी बात है बेटा, कि देट आर ड्राइड प्रेसर्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीट, क्लियर। तो बेटा हर्बेरिया संग्रहित पादपों के स्टोर हाउस के रूप में परिभाषित होता है, जहाँ विभिन्न पादप प्रादर्शों को सुखाकर दबाकर परिरक्षित करके कागज की सीटों में फिक्स किया जाता है। बड़े बड़े व्हाइट व्हाइट कागज की सीट होती है ना, आप हम कॉलेज में जब स्टडी करते तो अच्छे से हर्बेरियम सीट बनाते थे, अब तो प्रैक्टिकल से ट्वेल्थ में हट गया, वरना हर्बेरियम सीट आती थी है ना, कागज की बड़ी बड़ी सीट, क्लियर। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ विभिन्न पादप प्रादर्शों को सुखाकर दबाकर परिरक्षित करके कागज की सीटों पे, और अपन उस पादप प्रादर्श रूप में लेते क्या हैं, जैसे मान लो आवृतबीजी पौधा है, तो उसकी पूरी वृद्धि की पत्ती या पुष्पक्रम, या पुष्पक्रम, जैसे अपन सरसों के पुष्पक्रम को अपन बुक में दबा दें कई दिनों तक, तो फिर सूख जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे? तो बेटा उनको सुखा कर दबा कर परिरक्षित कागज की सीटों पर फिक्स किया जाता है, जैसे अपने है ना, देट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीट, केमिकल से परिरक्षित करके, क्लियर। और इन हर्बेरियम सीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, क्लियर, अर्थात आधुनिक और मान्य वर्गीकरण प्रणाली।
जो विश्वव्यापी सभी साइंटिस्ट के द्वारा मान्य वर्गीकरण प्रणाली है, थोड़ी आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली, उसके अनुसार अपन उनको व्यवस्थित करते हैं। तो जब अपन बहुत सारे ब्रेम सीटों को व्यवस्थित करते हैं तो एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस बनता है, उसको आप कहते हो हर्बेरिया। क्या कहते हो? हर्बेरिया। अपन ने क्या कहा कि बेटा सीधी सी बात है कि दीज सीट आर अरेंज इन द सिक्वेंस ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जो विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली है उसके अनुसार अपन इन सब हर्बेरियम सीटों को व्यवस्थित करते हैं। क्लियर? अब आप ध्यान दो बड़ा, ये सीट विभिन्न पादप प्रादसों को उनके उचित वर्गीकरण के साथ, मतलब इन सीटों पर उनका उचित वर्गीकरण के साथ अपन विभिन्न पादप प्रादसों को रखते हैं। क्लियर? और भविष्य में उपयोग के लिए बहुत सावधानी से अपन इनको बहुत सावधानी से प्रिजर्व कर देते हैं, विशिष्ट रसायनों से परिरक्षित कर देते हैं, ताकि भविष्य में कभी भी अपन को वर्गी के अध्ययन के लिए, किन्हीं पादपों के पहचान के लिए अपन को अगर मान लो कि आवश्यकता हो तो अपन उसका तुरंत यूज कर सकते हैं। क्लियर? और इसलिए अपन कहते हैं कि इन्हें भविष्य में उपयोग के लिए सावधानी से परिरक्षित रखते हैं। और इन सीट के जो राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर पर एक लेबल लगा देते हैं। तो राइट हैंड साइड पर आप जानते हैं कि जो लोअर कॉर्नर है, निचला कॉर्नर, उस पर अपन एक लेबल लगा देते हैं। क्लियर? दी सीट कैरी ए लेबल ऑन द राइट हैंड साइड एट लोअर कॉर्नर, मतलब इनके राइट हैंड साइड के लोअर कॉर्नर पर एक लेबल लगा देते हैं जिसमें संपूर्ण इन्फॉर्मेशन इनके बारे में, संपूर्ण सूचनाएं अपन लिख देते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो अपन सीखेंगे कि अपन एक हर्बेरियम सीट बनाते कैसे हैं, फिर कई सारे हर्बेरियम सीट हो जाएगी तो उनको विश्वव्यापी वर्गीकरण प्रणाली अरेंज कैसे करते हैं, तो फिर आपका हर्बेरिया हो जाएगा। फिर हर्बेरियम सीट बनाने में स्टेप्स क्या होते हैं और फिर हर्बेरिया का उपयोग क्या है। यस बेटा, तो देखो आप जानते हैं कि ये आपके सामने मैंने एक हर्बेरियम सीट बनाई है। वैसे ये कागज़ की एक वाइट सीट होती है, कागज़ की एक बड़ी वाइट सीट होती है ना, कागज़ की एक बड़ी वाइट सीट होती है, हो गई। अब आप कोई भी प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगी? कलेक्शन। क्लियर? तो कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, यस, साइंटिफिक माइंड से, वैज्ञानिक दिमाग से कोई भी एक पादप प्रादस का आप क्या करोगे? संग्रह, कलेक्शन करोगे। बात को समझे? और आप समझ सकते हो कि कलेक्शन के रूप में आप क्या लोगे, या तो क्या लेना जरूरी है, क्योंकि कंप्लीट डिटरमिनेशन है ना, क्योंकि बेटा जो पादप पदार्थ है, मटेरियल है, वो परफेक्ट होना चाहिए और वो पूर्ण निर्धारण उसका होना चाहिए किस पादप से रिलेट है। तो या तो अपन लेंगे पूरी वर्दी की पत्ती, फुली ग्रोन लीव्स, पूरी वर्दी की पत्ती लेंगे, और या फिर अपन लेंगे पूर्ण पुष्पक्रम, पूर्ण पुष्पक्रम अपन ले लेंगे उस पादप का। तो वो पादप स्पेसिमेन, पादप प्रादस, ये पादप प्रादस आपने ले लिया। यस बेटा, ये पादप प्रादस, प्लांट स्पेसिमेन। अब आप जानते हैं कि आपने इसको सुखाया और सुखाकर दबाकर और आपने इसको परिरक्षित कर दिया एक केमिकल से, विशेषतः अपन परिरक्षित करते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड, HgCl2, Hg मर्करी होती है ना, HgCl2 मर्क्यूरस क्लोराइड से इसको परिरक्षित कर देंगे। और अब अपन इस पादप स्पेसिमेन को इस कागज़ की सीट पे फिक्स कर देंगे, कागज़ की सीट पे अपने चिपका दिया इसको, आया ना। यानी अपने कलेक्शन किया पहले, फिर अपने इसको ड्राइंग एंड सुखाया, फिर अपने इसको प्रिजर्व यानी पॉइजनिंग यानी परिरक्षित किया, फिर अपन जानते हो कि माउंटिंग, स्ट्रेचिंग और अच्छे से इसको अपन फिक्स कर देते हैं सीट के ऊपर, कागज़ सीट फिक्स कर दिया। और इसके राइट हैंड साइड ये जो लोअर कॉर्नर है, इसके राइट हैंड साइड पे जो बेटा निचला ये कॉर्नर है, इसमें अब इसकी, इससे रिलेटेड, इस पादप स्पेसिमेन, इस पादप प्रादस से रिलेटेड संपूर्ण सूचनाएं अपन लिख देंगे। तो बेटा क्या क्या लिख देंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है ना नीट 2013 में, तो क्या क्या लिख देंगे, उसके बाद 16 में, नीट 2016 में भी आया, यस, तो क्या क्या लिख देंगे उसका, जो स्थानीय नाम है ना, लोकल नेम पादप का, जो प्लांट स्पेसिमेन का, उसके बाद उस प्लांट स्पेसिमेन का आपने लोकल नेम लिख दिया, उसके बाद आप जानते हो कि इसका इंग्लिश नेम, यस, कॉमन नेम या इंग्लिश नेम, उस पादप प्रादस का क्या लिख देंगे, इंग्लिश नेम लिख देंगे। बात को समझे? फिर उस पादप प्रादस का वानस्पतिक नाम, जो जैविक नाम मैंने आपको बताया था, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, मेंजीफेरा इंडिका आम का है ना, तो बोटनिकल नेम लिख देंगे, उसका कुल लिख देंगे, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम लिख दिया, सोलेनेसी कुल लिख दिया। अब अपन आगे क्या लिखेंगे, आगे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, कि आपने क्या लिख दिया, लोकल नेम लिख दिया, आपने इंग्लिश नेम लिख दिया, आपने उसका बोटनिकल नेम लिख दिया, आपने उसका फैमिली लिख दिया। अब बेटा जी अपन बात क्या करेंगे कि प्लेस फ्रॉम वेयर द स्पेसिमेन कलेक्टेड, ऐसा स्थान जहाँ से स्पेसिमेन कलेक्टेड किया गया है, यानी हैबिटेट, आवास, प्लेस वेयर
ऐसा स्थान जहाँ से पादप प्रदस को संग्रहित किया गया है, यानी हैबिटेट, उसका आवास हो गया, क्लियर। फिर आप जानते हो डेट ऑफ कलेक्शन, तो डेट ऑफ कलेक्शन यानी जिस दिनांक को वो पादप प्रदस कलेक्टेड किया गया था, तो डेट ऑन विच द स्पेसिमन वाज कलेक्टेड, डेट ऑन विच द स्पेसिमन वाज कलेक्टेड यानी डेट ऑफ कलेक्शन, है ना। ऐसे ही नेम ऑफ हर्बेरिया, किस हर्बेरिया में उसको रखा गया है ना, और नेम ऑफ कलेक्टर, नेम ऑफ कलेक्टर्स, यानी बेटा आप जानते हो कि सीधी सी बात है कि आपने डेट ऑन विच स्पेसिमन वाज कलेक्टेड लिख दिया, प्लेस फ्रॉम वेयर द स्पेसिमन वाज कलेक्टेड लिख दिया आपने, और आपने डेट लिख दिया, और नेम ऑफ कलेक्टर ऑफ दैट स्पेसिमन यानी उस विशिष्ट पादप प्रदस को किस वैज्ञानिक ने, किस ऑथर ने कलेक्ट किया, वो भी आपने लिख दिया। यस, तो लोकल नेम, कॉमन नेम, बॉटनिकल नेम, लोकल यानी सामान्य नेम इंग्लिश, वानस्पतिक नाम, कुल जिस प्लेस से उसको कलेक्ट किया वो हैबिटेट आवास, जिस दिनांक को उसको कलेक्ट किया डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ हर्बेरिया जिस हर्बेरिया में रखा गया है, और कलेक्टर्स नेम, ये बात आपकी हो गई। अब नीट 2016 के अंदर क्वेश्चन आया कि हर्बेरियम सीट का जो राइट हैंड साइड कॉर्नर होता है उसमें अपन निम्न में से कौन सी बात को नहीं लेते हैं, यहाँ पादप का रंग, उसकी ऊंचाई है, पुष्प का रंग क्या है, पादप की ऊंचाई क्या है, ये ऐसी बातों को अपन जो उन लक्ष्यों पर नहीं लेते हैं, आया ना। तो वहाँ क्वेश्चन आया कि हर्बेरियम सीट पर जो अपन राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर वहाँ इन्फॉर्मेशन देते हैं, निम्न में से कौन सी नहीं है, तो वहाँ पर आपका आया बोटनिकल नेम है, फैमिली नेम है, हाँ ना, या डेट ऑन विच द प्लांट स्पेसिमेन वाज कलेक्टेड कि वो दिनांक जिस पर वो कलेक्ट किया गया था है, हाइट ऑफ प्लांट, तो पादप की ऊंचाई नहीं है, पादप की ऊंचाई नहीं है। ये बेटा 2016 के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, मस्त क्वेश्चन आया हर्बेरियम सीट का, और ये आपको एनसीईआरटी में लाइंस में दे रखा है कि क्या क्या शब्द अपन लेते हैं और क्या अपन नहीं लेते हैं। अब सीधी सी बात है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विश्व के सभी देशों में जहाँ जहाँ बायोलॉजिस्ट है, द इंटरनेशनल साइज ऑफ हर्बेरियम सीट, हर्बेरियम सीट की जो इंटरनेशनल साइज होती है 16.5 × 11.5 इंच होती है, यानी 41 × 29 सेंटीमीटर, क्लियर। इसको अपने 11.5 भी लिख सकते हैं, 11.5 और फिर 16.5, तो 16.5 × 11.5 इंच या 41 × 29 सेंटीमीटर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सभी हर्बेरियम सीटों की ये फिक्स साइज होती है, बात को समझे। अब अपनी बात हो जाती है कि भाई हर्बेरियम सीट बनाते समय जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं, तो वो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, और फिर अपन सीधे जाएंगे यूज ऑफ हर्बेरिया पे। यस बेटा, और कुछ मैं टाइप भी बता देता हूँ। तो देखो बेटा जी, सीधी सी बात है, और अच्छे से आप नोट भी कर लेना, बहुत अच्छी बात है ये। तो बेटा देखो कि हर्बेरियम सीट बनाने में स्टेप्स क्या क्या यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको विभिन्न पादप जातियों, पादप प्रदसों को आपको कलेक्ट करना है, संग्रह करना है, भाई किसका आपको हर्बेरियम सीट बनानी है, बात को समझे नहीं समझे। तो फर्स्ट स्टेप हर्बेरियम सीट बनाने के स्टेप्स पद, तो फर्स्ट तो आपका है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, प्लांट स्पेसिमेन यानी पादप, पादप प्रदस का, पादप प्रदस का संग्रह, संग्रहण। आप सबसे पहले तो क्या कर लोगे बेटा, कलेक्शन, सही। अब कलेक्शन के रूप में आप क्या लोगे, वो हमने बता ही दिया कि भाई अच्छे से वैज्ञानिक अच्छे से समझ जाए, या फिर मतलब पूर्ण वर्दी करती हुई पत्ती या पुष्परम इन्फ्लोरेंस ले लोगे, बात को समझे। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे बेटा किसकी, कलेक्शन की। तो आप जानते हैं कि साइंटिफिक माइंड से और जो भी मटेरियल उस परफेक्ट होना चाहिए, और मतलब डिटरमिनेशन उसका अपन उसके लिए कंप्लीट होना चाहिए, बात को समझे। तो वो पूर्ण वर्दीकृत पत्ती या पूर्ण पुष्पक्रम अपने कलेक्शन कर लिया, केवल अपने स्टेप शॉर्ट में बताते हैं, वैसे है नहीं लेकिन आप समझ जाओ इनको। फिर बेटा जैसे आपने कलेक्शन कर लिया तो आप इसको करोगे ड्राइंग, ड्राइंग मतलब इसको आप सुखाना, सुखाना अपन को ज़रूरी है, फिर वो फ्लैट हो जाए ताकि कागज़ की सीट पे अच्छे से फिक्स हो जाए, तो आपने ड्राइंग कर दिया, फिर प्रेस्ड कर दो उसको, प्रेस्ड कर दो, ये लो दबा कर, है दबा दिया आपने, फिर आप क्या कर दो उसको, आप उसको बेटा पॉइजन,
पॉइजनिंग कर दो। पॉइजन का मतलब क्या होता जानते हो क्या? प्रिजर्व्ड, परिरक्षित कर दो उसको, परिरक्षित कर दो भाई, पॉइजनिंग कर दो। और पॉइजनिंग आप किसके द्वारा कर रहे हो? HgCl2 मर्क्यूरस क्लोराइड। यस बेटा, तो आप क्या कर दो उसको? पॉइजनिंग कर दो भाई। यस और नो? तो बेटा आपने क्या कर दिया? पॉइजनिंग कर दिया, मतलब उसको आपने मर्क्यूरस क्लोराइड, है ना, जो आप कहते हो ना 0.1% कोरोसिव सप्लीमेंट है, मर्क्यूरस क्लोराइड से आपने उसको पॉइजनिंग कर दिया, प्रिजर्व्ड कर दिया आपने उसको, सॉरी प्रिजर्व्ड आपने उसको कर दिया, परिरक्षित कर दिया, ताकि कोई बैक्टीरिया रहे, कोई भी उसको हर्बेरियम सीड को खराब नहीं करे। यस, अब बेटा जी अपन सीधी सी बात करते हैं कि उसको अपन माउंटिंग करेंगे, माउंटिंग है ना, माउंटिंग और स्टिचिंग। माउंटिंग स्टिचिंग क्या बेटा? एकदम फ्लैट उसको फिक्स कर देंगे, माउंटिंग और स्टिचिंग। और फिर अपन लास्ट अपन को क्या करेंगे? लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब हो गया कि जो राइट हैंड साइड कॉर्नर है उस पर आपने पूरे लेबल, कॉमन नेम, इंग्लिश नेम, बोटनिकम फैमिली, है ना, प्लस वेहर स्पेसिमेन वर कलेक्टेड, डेट जब उसको कलेक्ट किया गया था, नेम ऑफ हर्बेरिया और कलेक्टर नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने उसमें क्या कर दिया? लेबलिंग। बात को समझे? अब बेटा जी मैं आपको दो टाइप, तो ये आपकी स्टेप्स हो गए, यानी ये स्टेप्स आप यूज करोगे, आप घर पे भी हर्बेरियम सीड बना सकते हो। बात को समझे हैं? हाँ, बहुत अच्छे से सीख सकते हो, बोल रहे हैं एनसीईआरटी बिल्कुल मस्त होकर पढ़ा करो, सुबह थोड़ा मॉर्निंग वॉक किया करो यार, घर पे हो यार, मज़े, मतलब पूरा इसका आनंद थोड़ा हॉस्टलों के अंदर फिर दबके पढ़ाए तो डिप्रेशन नहीं आएगा वहाँ पर, तो अच्छा पिज्जा खाया करो, मस्त होकर प्रमात्रिक दौड़ा करो, पढ़ा करो उस, और नेचर के साथ रहो, बरसात है तो कुछ प्लांट्स का ध्यान रखो। हाँ, तो बेटा ध्यान दो, अब देखो कि टाइप ऑफ हर्बेरियम सीड, तो एक एक लाइन आपको मैं बिल्कुल हर वे के अंदर आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, क्लियर। वैसे कई टाइप होते हैं, मैं आपको यहाँ पर मैं दो टाइप बता देता हूँ, जो भी हर्बेरियम सीड के टाइप होते हैं, जिसमें से आपको मैं दो टाइप यहाँ पर आपको बता देता हूँ बेटा। तो देखो जैसे ये टाइप ऑफ हर्बेरियम सीड, टाइप ऑफ हर्बेरियम सीड, है ना, हर्बेरियम सीड के प्रकार, हर्बेरियम सीड के क्या बेटा? प्रकार। तो देखो हर्बेरियम सीड के प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो बेटा सबसे पहले अपन एक सबसे मेन प्रकार लेते हैं होलो टाइप। होलो टाइप, ये लो जी होलो टाइप लेते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अब बेटा जी सीधी सी बात है, देखो कि जो होलो टाइप होती है, सीधी सी बात है, ये ओरिजिनल हर्बेरियम सीड है जिसको नामकरण के दौरान विवरण के लिए प्रयुक्त करते हैं। ये सबसे जो फर्स्ट ओरिजिनल हर्बेरियम सीड है, ओरिजिनल हर्बेरियम सीड, है ना, तो जब वैज्ञानिक वर्गीकरण के दौरान, वैज्ञानिक वर्गीकरण के दौरान नामकरण के लिए, नामकरण के लिए प्रयुक्त करते हैं। बात को समझे बेटा? नामकरण के लिए प्रयुक्त करते हैं, ये बात हो गई आपकी होलोटाइप। अब बेटा जी आप आराम से समझें कि होलोटाइप की आपकी बात हो गई, इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट बात करता हूँ। तो नेक्स्ट बात आपकी है बेटा कि जैसे आइसोटाइप, क्लियर, आइसोटाइप। तो आइसोटाइप जो होती है, आइसोटाइप देखो, फिर अपन हर बेर इसको बार बार, जैसे जो अनुसंधान वैज्ञानिक हैं या स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस के, तो उनको अपन बार बार इसको अपन नहीं दिखाएंगे, तो बिल्कुल रख दी गई है। आइसोटाइप क्या होती है? डुप्लीकेट कॉपी, इसी की डुप्लीकेट, डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ होलोटाइप, है ना, जैसे अपन डुप्लीकेट कॉपी रख लेते हैं ना ओरिजिनल की, तो डुप्लीकेट कॉपी ऑफ होलोटाइप, ये आइसोटाइप होती है। ऐसे न्यूटाइप और भी टाइप्स होते हैं, बट यहीं तक लास्ट टाइप पहले आता था एम्स में, अभी हट चुका, लेकिन फिर भी बता दिया मैंने। यस और नो? अब बेटा आपके सामने यूजेज ऑफ हर्बेरिया, और यूजेज ऑफ हर्बेरिया से क्वेश्चन आपका आया, अब आपको मैं कराऊंगा यूजेज ऑफ हर्बेरिया। भाई ऐसी हर्बेरियम सीटें, बहुत सारी हर्बेरियम सीटें अपन तैयार कर लेते हैं, और विश्वव्यापी वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार इन सारी हर्बेरियम सीटों को अपन ऐसे अरेंज करते हैं, तो आप जानते हो एक बड़ा स्टोर हाउस बन जाता है, उसको आप कहते हो हर्बेरिया। अब आप बोटनिकल गार्डन में तो इतना बड़ा हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ, वहाँ कहाँ कहाँ घूमोगे, कई प्लांट देखो। हर्बेरिया में क्या है कि आपको तत्काल सूचना संदर्भ
तुरंत आपको अगर साइंटिफिक स्टडी करनी है तो हर्बेरिया का यूज कर लोगे आप, क्योंकि एक बुक्स का स्टोर हाउस है एक ही जगह। बात को समझे? तो बेटा जी ध्यान से देखो, किसी दिशी बात अपन करते हैं यूज ऑफ, या सीधी से ऐसे कहें अपन इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ हर्बेरिया, हर्बेरिया का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ हर्बेरिया, हर्बेरिया का बेटा महत्व है क्या है। क्लियर? तो आप जानते हैं कि सीधी सी बात है हर्बेरिया अत्यंत महत्वपूर्ण वर्गीय की सहायता साधन है। हर्बेरिया अत्यंत महत्वपूर्ण वर्गीकरण सहायता साधन है बेटा जी। हर्बेरिया अत्यंत महत्वपूर्ण वर्गीय की सहायता साधन है। क्लियर? जो स्पेशली अपन बात करते हैं बेटा जी कि जो वर्गीकरण पहचान व पादपों के जैविकादि अध्ययन के लिए है ना, जो वर्गीकरण पहचान तथा पादपों के जैविकासीय अध्ययन में आवश्यक है। क्यों बेटा? क्योंकि भाई अच्छे से बहुत क्विकली पहचान भी हो जाती है, विश्वव्यापी वर्गीकरण प्रणाली इनको अरेंज किया गया है तो आप जानते हैं कि जैविकासीय अध्ययन भी हो जाता है। तो सीधी सी बात है बेटा जी कि भाई अत्यंत महत्वपूर्ण वर्गीय की सहायता साधन है। पहले आइडेंटिफिकेशन, वर्गीकरण और पादपों की जैव विकास अध्ययन में बहुत ही ज़्यादा क्या है, आवश्यक है क्या बेटा, हर्बेरिया। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट अपन इसका इम्पोर्टेंस आपको बताते हैं हर्बेरिया का। यस, तो बेटा आप समझ सकते हैं कि वर्गीय के अध्ययन के लिए तत्काल सूचना संदर्भ साधन है। क्लियर? तो देखो वर्गीय की सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्गीय की अध्ययन के लिए, वर्गीय की अध्ययन के लिए तत्काल सूचना संदर्भ, तत्काल सूचना संदर्भ के रूप में प्रयुक्त होता है। यस बेटा, वहां इंग्लिश सेंसर में एक वर्ड लिख रखा है जो डायरेक्ट नीट 2013 के अंदर आपका क्वेश्चन आया, तो वो है कि क्विक रेफरल सिस्टम। क्लियर? तो आप समझ पा रहे हैं कि जो क्विक रेफरल सिस्टम है, ये क्विक रेफरल सिस्टम मतलब तत्काल वर्गीय की सहायता साधन, क्विक रेफरल। बेटा कैसे, आप ही दिमाग लगा लो, ये डायरेक्ट आपका नीट 2013 में जो एनसीईआरटी की लाइन है और नीट 2013 का क्वेश्चन है और वहाँ से 16 में क्वेश्चन है। बात को समझे? तो बेटा कैसे कि भाई हर प्रकार के पादप स्पेसिफिक हर्बेरियम सीड और विश्वव्यापी वर्गीकरण के अनुसार उनको मान्य वर्गीकरण यानी जातिवर्त्य के अनुसार उनको अरेंज कर लिया। तो आपको अगर तुरंत जो भी अनुसंधान करने वाले बच्चे होते हैं या फिर वैज्ञानिक हैं तो उनको अगर मान लो कि तुरंत सहायता साधन चाहिए, तुरंत किसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो किस में जाएंगे वो, हर्बेरिया में। बात को समझे नहीं समझे? तो सीधी सी बात करते हैं अपन हर्बेरियम के बारे में कि ये आप जानते हो कि क्विक रेफरल, यस और नो, क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस, क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस, मैं और लिखता हूँ क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस, है ना, क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस के रूप में अपन इनको यूज करते हैं। बात को समझे नहीं समझे? क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस अर्थात ये वर्गीय के अध्ययन में सडन साइंटिफिक स्टडी, जो तुरंत वैज्ञानिक अध्ययन, सडन साइंटिफिक स्टडी में ये बहुत आवश्यक है। बात को समझ रहे हैं ना आप? यस, तो ये बात आपकी है बेटा। और आप जानते हो कि विश्व के सभी हर्बेरिया बैंतम और उखर के वर्गीकरण पर आधारित हैं। विश्व के जो सभी हर्बेरिया, अभी आगे अपन बताएंगे बैंतम उखर का वर्गीकरण, और सबसे बड़ा जो हर्बेरिया है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा है हर्बेरिया रॉयल बोटनिकल गार्डन इंग्लैंड में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरिया रॉयल बोटनिकल गार्डन इंग्लैंड में ही स्थित है। आप समझ पा रहे हैं? यस और नो? तो ये सारी बात आपकी हो गई कि क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस टैक्सोनॉमी वर्गी की अध्ययनों में क्विक सोर्स के रूप में होता है ना, क्विक रेफरल सिस्टम है
क्विक रेफरल सिस्टम। और आप अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई बैंथम उकर के वर्गीकरण अनुसार इनको अरेंज किया गया है। और आप समझ सकते हैं भाई सबसे बड़ा जो हर्बेरिया है इन रॉयल बोटेनिक गार्डन क्यों इंग्लैंड में स्थित है। तो ये अपने पूरा आपको अध्ययन कराया हर्बेरिया में, पहले हर्बेरियम सीड कैसे बनती है, उनको अरेंज कैसे करते हैं, और फिर उन हर्बेरियम सीड बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं, और फिर अपन हर्बेरिया का उपयोग या उनका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है वर्गी के अध्ययनों में। तो ये बेटा पूरा आपकी बात हो गई और बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो अपने दो चीज़ पढ़ ली, बोटेनिक गार्डन और हर्बेरियम। अब अपन एक बात करेंगे जूलॉजिकल गार्डन की, फिर म्यूजियम की बात करेंगे। यस और नो, क्लियर? आप बेटा देखें नेक्स्ट आपका जो वर्गीय साधन है वो है जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क। और आप समझ सकते हैं कि जूलॉजिकल पार्क को सामान्यतः अपन क्या कहते हैं, जू, जानते हो ना चिड़ियाघर। जूलॉजिकल पार्क को अपन सामान्यतः क्या कहते हैं, जू, जो चिड़ियाघर अपन नाम सुना होगा। क्लियर? तो जूलॉजिकल पार्क को सामान्यतः अपन कॉमनली दे नोन एज जू। यस। अब बेटा सीधी सी बात है कि ये जो मतलब जू है ये विशिष्ट उद्यान है, वो अपन बात करें कि विशिष्ट उद्यान है बेटा, जहां पर आप समझ सकते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल है मतलब जंगली जंतुओं को, विल्ड एनिमल्स को, जंगली जंतुओं को मानव की देखरेख में रखा जाता है। बात को समझे कि भाई जूलॉजिकल पार्क जहाँ विशिष्ट उद्यान है, क्लियर, विशिष्ट स्थान है जहाँ अपन बात करें कि जो वाइल्ड एनिमल है, जंगली जंतु, उनको जीवित अवस्था में मानव की देखरेख में रखा जाता है। क्लियर? अपन सीधी सी बात कहें कि द प्लेस वेयर लाइव वाइल्ड एनिमल आर कैप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट। यस बेटा, अपन कहें कि लाइव नहीं जीवित, वाइल्ड एनिमल है ना बेटा, लाइव वाइल्ड एनिमल आर कैप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट है ना। तो जो सुरक्षित एक एरिया है उसमें जीवित जंगली जीवों को स्पेशली मानव की देखभाल में रखा जाता है, तो वो आपके क्या होते हैं बेटा, जूलॉजिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है। यस और नो? और अच्छे से आप जानते हैं कि बेटा इनको अपन ऐसी कोशिश करते हैं कि जैसे टाइगर, लोयन या और भी जंगली हिरण है, इनको अपन जंगली जीवों को वहाँ पर मानव की देखभाल में संरक्षित क्षेत्रों में रखते हैं। तो वहाँ ऐसी अपन कोशिशें करते हैं कि जैसा उनका नेचुरल एनवायरनमेंट है, जैसा उनका प्राकृतिक आवास है, उनको वैसा ही एनवायरनमेंट यहाँ उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, वैसे एरिया अपन अलग अलग बना देते हैं। बात को समझे नहीं समझे? तो ये आपके होते हैं बेटा क्या, जूलॉजिकल गार्डन। क्या होते हैं बताओ, जूलॉजिकल गार्डन है ना। और सीधी सी बात है, दे आर ऑल्सो साइट ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। यस और नो? कि बेटा ये भी क्या है, ये भी बाह्य स्थाने संरक्षण के स्थल हैं, भाई स्थानीय संरक्षण स्थल है ही कि जैसे मान लो अपन किसी टाइगर को, किसी बाघ को या किसी लॉयन को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए पूरे जंगल का संरक्षण कर दें प्राकृतिक आवास में, वो तो इंस्टीट्यू हो गया ना, स्वस्थानी। लेकिन अपन ने वहाँ से उस टाइगर या लॉयन को लेकर मानव की देखभाल में अपन एक प्रोटेक्टेड, एक सुरक्षित क्षेत्र में मानव की देखभाल में रखें, यस, तो वो जूलॉजिकल पार्क हो गए। हाँ, वहाँ अपन जैसे मगरमच्छ रखेंगे, अपन हिरण, तो उनको लगभग वैसा आवास देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी वो नेचुरल हैबिटेट नहीं है। तो आप जानते हो मानव की देखभाल में रखा गया, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, दे आर आल्सो साइट ऑफ एक्स सिटी कंजर्वेशन बाह्य स्थानीय संरक्षण के स्थल हैं। बात को समझे? अब वही बात, इनका भी उपयोग क्या है, वर्गी की अध्ययनों में पहचान के लिए। आप किसी भी जू में जाते हो, चिड़ियाघर में जाते हो, तो वहाँ टाइगर का जो पिंजरा होता है, लॉयन का होता है, तो वहाँ उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा विवरण है ना, उसका लोकल नेम कहाँ से है वो,
जैसे बंगाल टाइगर को भी अपने जयपुर के जू में रखा गया है, तो पहले तो वो कहाँ से है, फिर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन कि उसका जो सॉरी उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, जूलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है और उसके अदर करेक्टर जैसे उसका वेट, ये भी अपन वहाँ अलग से वो तो लिखते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपन को वहाँ से मिलती है, तो वो आपके होते हैं जूलॉजिकल गार्डन पार्क, यस और नो, क्लियर। और एक्सिटी कंजर्वेशन के स्थल है बेटा, है ना। और आप समझ रहे हैं कि मानव केयर में, मानव की देखभाल में इनको रखा जाता है। और किस लिए रखा जाता है, सीधी सी बात है कि भाई वर्गी के अध्ययनों के लिए रखा जाता है। अब आप जानते हो लार्जेस्ट जू कौन है, लार्जेस्ट जू तो लार्जेस्ट जू है क्रूजर जू ऑफ साउथ अफ्रीका। तो बेटा देखो लार्जेस्ट जू क्रूजर जू ऑफ साउथ अफ्रीका और इंडिया में जू ऑफ कोलकाता, बात को समझे। तो ये अपन बात रहे आपका क्या हो गया, जूलॉजिकल गार्डन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, म्यूजियम संग्रहालय। तो म्यूजियम की बात करते हैं अपन। तो बेटा देखो नेक्स्ट आप देखिए म्यूजियम, तो म्यूजियम आप देख सकते हैं संग्रहालय म्यूजियम, यस और नो। तो बेटा जी आप ध्यान दें कि जो म्यूजियम है संग्रहालय हैं, ये आप जानते हो विशिष्ट स्थान है जहाँ पर परिरक्षित मृत जंतुओं एवं निम्न पादपों लोअर प्लांट का को कलेक्ट किया जाता है ना। तो बेटा आप जानते हैं कि स्पेसिफिक प्लेस हैं, यस विशिष्ट स्थान है जहाँ पर परिरक्षित मृत जंतुओं और मृत निम्न पादपों का संग्रह किया जाता है। आपको अच्छे से पता है बेटा कि जो म्यूजियम्स हैं इज ए प्लेस यूज फॉर स्टोरिंग प्रिजर्वेशन एग्जीबिशन, क्लियर। आप जानते हो कि म्यूजियम, जो म्यूजियम को आपको हम बता रहे थे कि भाई जो म्यूजियम है संग्रहालय वो ऐसे स्थान है जो आप जानते हैं कि स्टोरिंग के लिए प्रिजर्वेशन और एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी बोथ एनिमल एंड प्लांट, लेकिन डेड कंडीशन में। आप जानते हो जैसे आपके स्कूलों में कॉलेजेस में जो साइंस लैब होती है तो वहाँ आपको स्पेसिमेन प्रारदर्श कांच के से जार दिखाए होंगे जिसमें हाइड्रिला वेलेसनेरिया प्लांट या फिर स्पेशली स्टब्ड मतलब फिश स्कलडियोन या रोहू फिश को आपको दिखाया होगा। तो जो स्कूल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं आप जानते हैं कि ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ में म्यूजियम को मेंटेन किया जाता है उनके बोटनी और जूलॉजिकल लैब या डिपार्टमेंट्स में, वहाँ बोटनिकल डिपार्टमेंट में या जूलॉजिकल डिपार्टमेंट में आपको म्यूजियम दिखाया जाता है, यस। तो वहाँ संग्रह किया जाता है, स्टोरिंग है एक प्रकार का। तो इसी प्रकार क्या होता है कि बड़े लेवल पे अपन बात करें कि फॉर साइंटिफिक स्टडी और रेफरेंस के लिए वर्गी के अध्ययन के लिए जो म्यूजियम है, देखो बेटा आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि लिविंग प्लांट बोटनिकल गार्डन में, लिविंग एनिमल जूलॉजिकल गार्डन में, है ना। और आपको अच्छे से पता है कि लिविंग प्लांट बोटनिकल गार्डन में, लिविंग एनिमल जूलॉजिकल पार्क में, और आप समझ रहे हैं कि ड्राइड प्रेशर सुखाकर दबाकर जो ओनली प्लांट स्पेसिमेन हर्बेरियम पे, और यहाँ अपन बात करें कि दोनों लेकिन डेड प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन, लोअर प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन। तो ध्यान से सुना देखो कि आप जानते हैं कि ये विशेष स्थान है जहाँ पर परिरक्षित मृत जंतुओं और मृत निम्न पादपों को का संग्रह किया जाता है, अर्थात इन्हें विशिष्ट परिरक्षित घोल में डुबो के रखा जाता है, क्लियर। तो दीज म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड एनिमल और प्लांट स्पेसिमेन यूज्ड फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, इन्हें अध्ययन के लिए और वर्गी की पहचान के लिए इनका अपन बात यूज अपन करते हैं। तो म्यूजियम हैव कलेक्शन, संग्रह है, स्टोरिंग हाउस है, प्रिजर्व्ड मतलब परिरक्षित मृत जंतु और पादप प्रारदसों जो स्टडी और रेफरेंस के लिए रखे जाते हैं, यस। हम इन जंतुओं या पादप प्रारदसों को कंटेनर या जार में, बहुत बड़े कंटेनर या जार में अपन एक विशेष रासायनिक घोल में डुबो के रखते हैं, क्लियर। और स्पेशली आप जानते बेटा कि विशेष रासायनिक घोल में डुबो के रखते हैं, जनरली मोस्ट कॉमन जो सॉल्यूशन है, प्रिजर्व्ड सॉल्यूशन है, परिरक्षित घोल के रूप में फॉर्मेलिन, किसको यूज करते हैं, फॉर्मेलिन को प्रयुक्त करते हैं। अगर फॉर्मेलिन प्रयुक्त नहीं हो तो फिर अपन किसको बात करते हैं, एल्कोहल की बात करते हैं बेटा, यस और नो। आपको अच्छे से पता है बेटा कि जो म्यूजियम है वहाँ पर अपन देखो बेटा कि प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को अपन प्रिजर्व या ड्राई स्पेसिमेन अपन लेते हैं। जैसे इंसेक्ट बॉक्स में इंसेक्ट को कलेक्ट किया जाता है, इंसेक्ट पहले किल्ड मार दिया जाता है मर्त और फिर पिंड और उनको फिर अटैच कर पिन से मोम पर अटैच कर दिया जाता है, फिर परिरक्षित घोल में अपन प्लेट के थ्रू परिरक्षित घोल में डुबो देते हैं। जैसे आपने वहाँ लैब में वो स्पोर्टिंग देखी होगी, प्रारदर्श देखा होगा, तो वहाँ एक कांच की पट्टी का पर उसको इंसेक्ट को किल्ड पिन
वो उसको करके और फिर अपन उस घोल में अपन डुबो देते हैं, या लार्ज पीसीज या कुछ मैमल सर से हो तो उनके बॉडी को स्टफ्ड है ना, हाई टाइम स्टफ्ड कर देते हैं और फिर अपन परीक्षित घोल में डुबो देते हैं, यस और नो। साथ ही साथ बेटा जो जीवाश्म है, जो भी फोसिलिज्म स्टडी में फोसिल्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट, पादप और जंतुओं के जो जीवाश्म प्राप्त होते हैं उनको भी अपन कहाँ रखते हैं, म्यूजियम में रखते हैं। साथ ही साथ स्केल्टल सिस्टम ह्यूमन, मानव का जो कंकाल है तो मानव के कंकाल को भी अपन प्रदर्शनी के रूप में म्यूजियम में रखते हैं, क्लियर। और फिर आप जानते हो कि यूज या इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजियम, तो इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजियम अपन बात बढ़ा, इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजियम, तो इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजियम क्या है कि भाई परिरक्षित घोल में इन प्रादर्शों को कई समय तक, कई वर्षों तक परिरक्षित रखा जा सकता है, हाँ ना। और आप जानते हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन में, और आगे आप जानते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन में, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज वर्गी की अध्ययनों में बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, उपयोगी होंगे, यस और नो बेटा। तो ये आपका टॉपिक हो गया म्यूजियम, जिससे अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर। तो म्यूजियम आपका हो गया। इसके बाद कुछ अलग आप जानते हैं कि और भी सहायता साधन हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे, क्लियर। तो आप जानते हैं बेटा कि नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि भाई जैसे यहाँ पर अपन एक क्वेश्चन की बात भी करते हैं कि भाई म्यूजियम, म्यूजियम स्पेसिमेन प्रिजर्व केयरफुली, म्यूजियम में किस पर्पज़ के लिए रखे जाते हैं, रिसर्च पर्पज़ के लिए या फिर एग्जीबिशन के लिए, तो रिसर्च पर्पज़ के लिए भी और एग्जीबिशन के लिए भी, दोनों के लिए रखे जाते हैं, बात को समझे। अब अपन कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं बेटा, जो और पॉइंट हैं आगे, जैसे मैं कुछ वर्ड्स की बात करता हूँ, जैसे अपने एक बड़ा वर्ड की बात करते हैं, फ्लोरा क्या है, फ्लोरा, तो फ्लोरा क्या होता है, क्लियर बेटा। फ्लोरा तो देखो बेटा कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे वहाँ पर प्रेजेंट सभी प्लांट की जो लिस्ट होती है उसको आप वहाँ का क्या कहते हो, फ्लोरा, आया ना। तो आप समझ पा रहे हैं बेटा कि वो आपके लिए होता है फ्लोरा, क्लियर। और फौना अपन किसको कहते हैं, आप समझ पा रहे हैं कि वो कंडीशन आपके लिए फ्लोरा होती है। तो आप जानते हो कि लिस्ट ऑफ ऑल प्लांट्स एट ए पार्टिकुलर एरिया, कि एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, विशिष्ट स्थान की सभी पादपों की, सभी पादपों की सूची, तो आप जानते हो क्या कहलाएगी, फ्लोरा हो गया, फ्लोरा हो गया वहाँ का जो वेजिटेशन है। और फौना, फौना क्या हो गया, फौना उस पर्टिकुलर प्लेस पे एनिमल की लिस्ट होगी, तो वो हो गया फ्लोरा और क्या, फौना, यस और नो बेटा। अब अपन जो नेक्स्ट बात करेंगे कि जो कुछ वर्ड्स आपके मोनोग्राफ है, कैटलॉग है, मैनुअल है, मोनोग्राफ, कैटलॉग, मैनुअल और की, तो अपन बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इनकी बातें करेंगे, मोनोग्राफ, कैटलॉग और जो की हैं इनके अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और फिर अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा तैयार करें एनसीईआरटी से, अच्छे क्वेश्चंस करें, यहाँ का कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरी आप एनसीईआरटी से पढ़ें, यस बेटा। और बिल्कुल एनसीईआरटी हिंदी इंग्लिश दोनों को रखकर लेक्चर को बिल्कुल पॉज करके एक एक लाइन पर काम करेंगे, तो एक भी ऐसी लाइन है इसका आपको डिस्क्रिप्शन या विवरण मैंने नहीं बताया, बात को समझ पा रहे हैं आप, क्लियर है। तो आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखें, फिर अपन जस्ट इसके बाद अपन बात करेंगे जो तीन चीज़ आपकी होती है बहुत इंपॉर्टेंट। एक अपन बात करें होता है मोनोग्राफ, मोनोग्राफ जो मैं आपको बता दूं कि पर्टिकुलर टैक्सोन, एक पर्टिकुलर टैक्सोन की आपको जानकारी देता है, और एक आपका होता है कैटेलॉग, तो कैटेलॉग क्या होता है। उसके बाद अपन आपके सामने बात करेंगे मैनुअल, मैनुअल क्या होता है, और टैक्सोनॉमिकल की, टैक्सोनॉमिकल की, तो टैक्सोनॉमिकल की क्या है, यस बेटा। तो इनका पहले ही रीडिंग करके आए एनसीईआरटी से, और बहुत इजी वे में आपको समझाया जाएगा इन सब की, आप रीडिंग कर लें पहले ही, यस। और फिर अपन नेक्स्ट फर्दर अपन ये चैप्टर फर्स्ट पूरा हो जाएगा, पूरी प्रैक्टिस कर लें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कोई मिल जाए तो उसके क्वेश्चन कर लें, देन नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बायोलॉजिकल लेसन। तो कल अपन उसके बारे में कुछ जानकारी लेकर बायोलॉजिकल लेसन की अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।